फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखे थे, जिसमें रैम और रोम को कम्प्लीट किया गया था। इसमें सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी आपका जो है एक्सटर्नल मेमोरी होती है। यह कंप्यूटर या मोबाइल में बाहरी संसाधनों द्वारा डाली जाने वाली मेमोरी है। इन उपकरणों में ज़्यादा मात्रा में डाटा स्टोरेज किया जा सकता है तथा इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह कई प्रकार की हैं, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क डाटा को स्टोर करने का उत्तम साधन है। इसके अंतर्गत निम्न डिस्क आती है। एक आती है फ्लॉपी डिस्क और दूसरी आती है हार्ड डिस्क, जिसमें हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखेंगे। जो फ्लॉपी डिस्क है आपका, किस प्रकार की एक डिस्क है, स्टोरेज डिवाइस है। जिस प्रकार से टेप रिकॉर्डर की कैसेट में गानों को स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के स्थानांतरण का कार्य फ्लॉपी डिस्क करती है। फ्लॉपी डिस्क की सहायता से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाया जा सकता है। तो फ्लॉपी डिस्क का काम होता है कि डाटा को स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। दूसरा है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क के समान ही हार्ड डिस्क होती है, किंतु यह आकार में बड़ी और तीव्र गति से चलने वाली होती है। ये कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी रहती है, उसी के अंदर फिक्स रहती है। इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए इन्हें फिक्स डिस्क भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है आपका? मैग्नेटिक टेप का प्रयोग कंप्यूटर में डाले गए डाटा को सुरक्षित रूप से स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। यह फीता सामान्यतः एक इंच बिना जोड़ वाली प्लास्टिक की लंबी पट्टी का होता है, जिस पर मैग्नेटिक परत चढ़ी होती है। यह पट्टी मैग्नेटिक टेप कहलाती है। ये जो आपकी टेप आती है प्लास्टिक वाली, उसी पर जो है एक मैग्नेटिक परत चढ़ाई जाती है और उसी पर आपका डाटा स्टोरेज होता है, मैग्नेटिक टेप कहलाती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क डाटा को संग्रहित करने से पूर्व उसे मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर परिवर्तित रूप को लेजर किरण की सहायता से डिस्क की परत पर उसे स्टोर कर लेती है। इस डिस्क का व्यास 4.5 इंच का होता है, 4.5 इंच का होता है। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB तक की होती है, मीन्स 700 मेगाबाइट की इसकी कैपेसिटी होती है। इस डिस्क पर डाटा को रीड और राइट दोनों कार्य किया जा सकता है, वो भी लेजर किरण के द्वारा। ऑप्टिकल डिस्क आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला है सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। इसमें स्टोर डाटा परमानेंट होती है। इस सीडी को केवल रीडिंग योग्य मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका वॉर्म डिस्क। इस डिस्क पर केवल एक बार राइट किया जाता है, किंतु उसे कई बार रीड किया जा सकता है। इसमें स्टोरेज डाटा को संशोधित करना संभव नहीं होता है। कोई भी एक बार डाटा अगर राइट कर दिया गया तो उसे हम लोग दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जिसे वॉर्म डिस्क कहलाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क में जो है क्या होता है कि इसमें ऑप्टिकल और मैग्नेटिक दोनों तकनीकों का प्रयोग करके बनाया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।